हाँ, तो सारा कुछ। फिर उसके बाद मैंने इसको लगा लिया। सच बोल दो। तो भाई कैसी है अपनी टर्बो फैमिली। वैसे आज का दिन ना बहुत स्पेशल है। स्पेशल मतलब क्या स्पेशल है वो आप लोगों को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है तो ये सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर मतलब बहुत ही सीरियस मैटर है। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज क्या है? आज हैप्पी मदर्स डे। ओह माय गॉड, याद रहता है मेरे को। पता है आपको? हाँ हाँ। ओके, सोशल मीडिया देखता हूँ मैं अभी। सच्ची सच्ची मम्मी को फोन किया? हाँ। बात हो गई? हाँ। अच्छे से? हाँ, अच्छे ढंग से हुई है। मम्मी को कुछ दिया? अभी ऐसे कैसे दूंगा, वायरलेस गिफ्ट। हाँ, वायरलेस गिफ्ट। पेटीएम? नहीं नहीं, मम्मी मना करती है। मम्मी बोलती है मत। अच्छा, मम्मी कहती है मत दे। मम्मी बोलती है अपने पैसों में पहले खुद तो खड़ा उठ। खुद तो खड़ा उठ मतलब पैसों के ऊपर तो खड़ा हो? नहीं, मतलब पहले अपने पैरों पे खड़ा हो। मतलब वैसे नहीं, खुद से कुछ करना। ना ना, ये पैरों पे ना खड़ा ही देख लो भाई। नहीं नहीं, ऐसा वाला ये पैर ना है भाई तेरे। ऐसा वाला नहीं, वो एक लैंग्वेज होती है ना। What is going on? ये इसकी मम्मी कहती है कि अपने पैरों पे खड़े हो। ओके, यही ये देखो, ये भी कैमरा लेके खड़ी है। आज मेरे पास ये वाला कैमरा है, भारी वाला। भारी वाला? हाँ भाई। तो पैरों पे कैसे खड़े हो गए आप? बस कर रहे हैं मेहनत, चल रही है मेहनत। मम्मी के लिए सोच रहा हूँ कूलियन गिफ्ट। देखो देखो, ये मजाक चल रहा है। मैं खड़ी किस पे, देखना गिर जाऊंगी अभी। तो ना, मैं आ गया हूँ किचन में, और आज वैसे मदर्स डे पे मतलब मैं मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। अब देखो, बाहर तो जा नहीं सकते, लॉकडाउन है, कि मैं उनको कहीं घुमाने ले जाऊं, कोई मूवी लेके चला जाऊं। एंड मम्मी को ज्यादा गिफ्ट्स विफ्ट ज्यादा ना पसंद नहीं है। मतलब मम्मी ना मेरी बहुत सिंपल सी है, उनको कोई मतलब नहीं होता। सुबह उठती है, अपना पार्ट उनको करना होता है, नहाना होता है, पाठ करना होता है, एंड उसके बाद वो खाने पीने की तैयारी में लग जाती है। एंड रात का खाना भी वही बनाती थी, बट जब से ये आई है तब से आजकल ये बना रही है। मत देना रात को खाना मुझे। फिर भी एक रोटी खाते हो, ठीक है? झूठ मत बोलो। एक रोटी कब खाता हूँ रात को? बे मत देना आज की बात। फ्रूट्स काटती हो तो खाते हो ना, तो वो एक रोटी बराबर होता है। तुमने तो फ्रूट काटे हुए? मम्मी काटती है फ्रूट्स सपने में? मेरे को तो खाने दो यार, भूख लग रही है मेरे को। ये पतले हो गए। सुबह से कब खाया था मैंने, कितने घंटों बाद सिर्फ इतना सा खा। यार आप तो खुद देख लो, इतना सा खा रही हूँ मैं। ऐसे इतना इतना करते हुए कभी नमकीन कभी चावल। तो भाई फाइनली अब मम्मी के लिए मैं कुछ बनाने वाला हूँ, कुछ मतलब कुकिंग वुकिंग करके उनको खुश कर लेता हूँ। आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो या किया है आप लोगों ने या नहीं किया? वैसे ये वीडियो एक दिन बाद आने वाला है, मतलब मदर्स डे पे आप लोगों ने क्या क्या किया अपनी मम्मी के लिए, और अगर नहीं किया तो बहुत ही गलत बात है। तो मम्मी एक ऐसी गॉड गिफ्ट है जिनका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आई बिलीव। तो वो अकेली है बस, तो उनके लिए कुछ तो करना चाहिए ना। तो लेट्स बिगिन, कुछ कर लेते हैं। घर के दो नमूने, एक वो एक ये, कैमरे का मुंह पर करना है, स्क्रीन ऊपर करके ऊपर हो जाएगा। वाह, न्यू व्लॉगर स्टाइल समझने के लिए। अब ये उल्टा क्यों हो गया? ये मैं उल्टी दिख रही हूँ, उल्टी रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, आप सीधे हो। अच्छा, फाड़ो ना उसको फटाफट से। फाड़ो क्या, मैं दिखाऊं? नहीं। हाँ तो दिखाओ, तो मैं भी तो दिखाऊंगा मेरे कैमरे में। ऐसे फिर मैं कौन सा दिखाती हूँ, दो कैमरा भाई, मेरा व्लॉग नहीं बनेगा आज का। हेलो, हंसना मत करो, हंसना मत करो। एक सेकंड, मैं ये केक बना रही हूँ आंटी के लिए, और ये पता नहीं बेबकू बना रहे शायद ये, क्योंकि मैं तो पक्का बना रही हूँ, इतना पास नहीं आते हैं। ये खोल रही हूँ मैं केक के डब्बे को। जिस तरीके से चाकू आया है ना, ये बाहर भाग गया। देखो जरा, चाकू अपनी तरफ रख के कौन कैसे खोलता है डब्बा। ओहो, उठाओ डस्टबिन में से निकालो, कचरा तो नहीं है। नहीं, सूखा है। सूखा है, उसी में तो रेसिपी लिखी है। रेसिपी पढ़ के बता रही हूँ, एक मिनट। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक केक, और ए मैं डब्बा ले लेता हूँ। बनाने जा रही हूँ एक केक। आज मैं बनावांगी एक केक, और मैं हूँ चुकना लिया केक का डब्बा, कुकर। कुकर नहीं चाहिए था मैंनू। कुकर नहीं चाहिए था? No. ते हुन एनु चाहिए था एक कढ़ाई। कढ़ाई भी नहीं चाहिए थी। वो मैंनू गोलजा बर्तन चाहिए था। गोलजा बर्तन? कटोरी बर्तन।
गोल जिहा बर्तन इन्ना बड़ा गोल जिहा बर्तन चाहिए अंदरूनी तले क्या होता है ते एदंदर वर्जिन ऑयल ते नहीं पैंदा मुझे क्या पता अंदरूनी तले बनाती हूँ वेट बना के दिखाती हूँ बटर दे भाई हाल देखो मतलब यहाँ पे ये दोनों लिखे हुए हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी हिंदी पढ़े जा रही है और फिर कह रही है अंदरूनी तले क्या है पर इंग्लिश में भी तो लिखा हुआ है ये है पिघला हुआ बटर जो आधा पिघला हुआ है ये केक का कुछ सामान पाउडर मतलब टेलकम पाउडर नहीं चॉकलेट का ये मतलब जो भी बोलते हैं चॉकलेट पाउडर केक मिक्स कहते हैं उसको इस घर के दो गवार शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है इसकी खुशबू आ रही है जबरदस्त वाली इससे कहते हैं आज मदर्स डे की तैयारी पूरी तैयारी मतलब देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इससे कहते हैं पूरी फुल ऑन मेहनत तुम क्या बना रही हो केक और आप बेवकूफ तुम बेवकूफ बना रही हो मैं केक बना रहा हूँ ये केक किस क्या 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 मैंने नहीं किया तो किसने किया मैंने जनता देख रही है पाप चढ़ेगा पाप एक चम्मच मेरे को टेस्ट कराना गाओ बसा नहीं कौन आ गए बोलते हैं ना लुटेरे आ गए तो भाई ये रहा एयर फ्रायर और इसको पहले से अपने को थोड़ा प्री हीट करना है केक रखने से पहले तो ये मैंने बंद किया और 250 डिग्री टाइम में सेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपने को करना ही प्री हीट है इसको हाँ जी भाई दो व्लॉगर है घर में चलो भाई अगली बार मतलब केक बनाने की जरूरत नहीं है ये ऐसे ही खा लेगा वैसे एक काम कर तू इसी से पेट भर ले केक हम खा लेंगे ठीक है शादी वाले थोड़ी का फोटोग्राफर शादी फोटोग्राफर ऐसे 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 करो ऐसे ओ हो 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 ये वो लोग हैं जो दाल को उबालने में भी ना उसमें गड़बड़ कर देते हैं ये देखो ये केक का पूरा जो बैटर है वो इसके अंदर डाल दिए नीचे इसके अंदर कुछ लगाया ही नहीं इसमें बटर लगता है ताकि इसके ऊपर केक चिपके नहीं ऐसे बनाओगे तुम तला तुला कुछ लिखा था मेरे को फाइनली अपना केक बन रहा है ये थैंक यू ऑडियंस मैंने लाइफ में इतनी मेहनत कभी नहीं की है जितनी मैं आज कर रहा हूँ तो यार ये लगाया था मैंने 20 मिनट्स पे और अभी 3 मिनट्स रह गए लाइट ऑन होने तो ये हो गई लाइट ऑन फर्स्ट क्लास बन रहा है यार बिल्कुल बहुत बढ़िया फाइनली ये केक बन गया और मैंने टेस्ट कर लिया इसके अंदर ये वाला चाकू ना ऐसे अंदर मार के और ये चाकू निकला बिल्कुल क्लीन मतलब ये अंदर से भी कम्प्लीटली पक चुका है और फाइनली मेहनत ना सफल हो गई मेहनत सफल मतलब की मतलब पहले पाउडर उसके अंदर बाउल में डाला फिर बटर डाला गर्म करके हल्का सा फिर उसको बीट किया बीट करने के बाद फिर बाउल के अंदर फिर से लेयर ऑफ बटर लगाया एंड 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 तो सच बोल दो फिर इसने बहुत बहुत मेहनत की फिर उसके बाद मैंने इसको लगा लिया सच बोल दो मैंने लगा दिया वहां पे मतलब आपने बीट किया गुड तो मैंने ही किया है फाइनली आ गया सेकेंड आइटम का टाइम और इसमें अच्छी खासी मेहनत होने वाली है मम्मी ने से एक ही चीज खाएंगी तो मैं एक ही बना रहा हूँ बाकी जिसको बनाना है अपने लिए सब बना लेंगे गाइस ये आ गया बटर और ये बड़ा ही स्पेशल बटर है मतलब गार्लिक बटर है तो सिंपल वे गार्लिक ब्रेड बनाने का मतलब पहले गार्लिक बटर ले आओ तो सिंपल हो जाता है नहीं तो फिर क्या करता है कि पहले गार्लिक पीसो उसको कूटो पहले छीलो मतलब फिर कूटो फिर मिलाओ तो ये क्या है थोड़ा सा ज्यादा सिंपल प्रोसेस है गार्लिक ब्रेड बनाने का तो सबसे पहले अपन चारों ब्रेड के ऊपर ये बटर लगा लेंगे ज्यादा नहीं लगाना है नहीं तो ज्यादा कड़वा टेस्ट आ जाता है कड़वा नहीं होने दें इसको तो आज मैं बन गया वैसे संजीव कपूर ये लग गया बटर एक काम खत्म हुआ अब इस ब्रेड को अपने को क्रिस्प करना है जब तक क्रिस्प नहीं हो जाए तब तक आपको बाकी का प्रोसेस कुछ नहीं करना तो फाइनली आ गई है ये चार ब्रेड और आगे का कार्यक्रम फटाफट से तो ये आ गया चीज चीज की एक लेयर तो ये डाल गए थोड़े से प्याज तो ये आ गया अमूल चीज और स्प्रेड करते हैं ब्रेड के ऊपर ये मिर्ची कर दी है बिल्कुल पतली पतली फाइनली दो पीस तैयार हो गए केक को खराब करने का टाइम आ गया ये मैडम आ गई है मेरी मेहनत पे पानी फेरने के लिए वाह देखा क्या परफेक्ट बना है बनाया मैंने फर्स्ट तुम्हारा है टेस्टी है केक को कौन मना करता है बे ना कूड़ दूं तुम्हारी ये आ चुका है ये भी आ चुकी है ये तो है ही हमेशा तैयार ये मैं बनाया टाडे वास्ते ओए हैप्पी मदर्स डे भाई मम्मी को वैसे ज्यादा केक पसंद नहीं है फिर भी खिला देता हूँ पहले आप खिलाओ पहले मैं खाऊंगा ना आपका दिन है
दिन तक अंडा मैं आप ही खा लेना। थैंक यू। ओह थैंक यू। केक कैसा लगा? कैसा बना? अच्छा अच्छा ना। टाटा का सुनना है। टाटा फेवरेट। लो भाई आप लोग आओ। जा जा जा। हाँ एनू ही तो सारा कुछ मैं फाइनल में आ गया हूँ किचन में वापस। केक क्या कच्चा रह गया? तो अरे कुछ नहीं रह गया कच्चा। अरे ओए 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 गिर जाएगा। अरे आप प्लेट ट्रक को वो बचा कुछ खा लो। खाओगे? अबे मैं बचा कुछ नहीं छोड़ा। कोई साल बजे का खाना नहीं खाता। खाना नहीं खाता हूँ मैं। खाना नहीं, चॉकलेट भी नहीं। ये चॉकलेट नहीं है। क्यों जी बननी है? और खानी है बस। रोटी हो गई? डिनर ही हो गया। चलो मम्मी को टीवी देखने देते हैं। तो मम्मा ना बहुत थोड़ा खाती है, मतलब रात को ना बहुत कम डाइट है मम्मी की, इतना सा खाती है बस। तो वो एक ब्रेड, जो एक ब्रेड टोस्ट मैंने बनाया वो, एंड प्लस जो जितना सा केक खाया उतने में उनका डिनर हो चुका है। कुछ ऐसा रहा मदर्स डे, मतलब हंसते खेलते कुछ बनाते बनाते मेहनत करते हुए। नहीं नहीं वो भी ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। ये फेंक देगी इसको मत देना। केक बहुत टेस्टी बना है पर मेहनत मतलब मेरी रंग अच्छा लगा ना भाई। तो थैंक यू तो बोला नहीं भाई को। हाँ तो पहले दांत पे केक लगा है तो खाता दांत से, इसलिए दांत पे केक लगा। कितने दिनों बाद मैं कुछ ऐसा खा रहा हूँ, मतलब वो लास्ट गोलगप्पे बने थे उसके बाद कुछ अच्छा खा रहा हूँ, ढंग वाला घर का बना हुआ स्पेशल। नॉर्मली ना अपन लोग कभी कुछ कर नहीं पाते हैं अपनी मम्मी के लिए, तो एटलीस्ट हमेशा कुछ ना कुछ मम्मी के लिए करते रहना चाहिए भाई। वो जितना करती है ना अपन लोगों के लिए, मतलब मेरे को नहीं लगता दुनिया का कोई भी इंसान या दुनिया का कोई भी ऐसा पर्सन इतना कुछ कर सकता है। मतलब यार इमेजिन करो, वो दिन भर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कभी ये खिलाना कभी वो पिलाना, ये बना दूं वो कर दूं ये कर दूं। मतलब आई डोंट थिंक सो कि मम्मी जितना प्यार अपने को करती हैं उतना कोई भी इंसान दुनिया में कर सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पापा कम करते हैं, पर जितना मम्मी केयर करती हैं और जितना कुछ मम्मी करती हैं शायद ही कोई कर सकता होगा। तो इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव ये सच है और मेरे लिए तो बिल्कुल सच है। तो एनीवेज अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लेना। मिलते हैं एक नए लाइव सेशन के साथ रात को 9 बजे एंड एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। Bye bye, take care and love you, Turbo family.